नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में बात करते हैं हम लोग एक महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल लिखा गया है फार्मास्यूटिकल सेवाओं में सुधार का समय। तो देखेंगे आखिर ये चर्चा में अभी क्यों बना हुआ है, भारतीय फार्मा उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है इसकी, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। भारतीय फार्मा उद्योग की समस्याएं क्या क्या हैं उन्हें भी देखेंगे, और जेनेरिक बा ब्रांडेड दवाओं में अंतर क्या होता है उसे भी हम लोग देखेंगे। हेल्थ इम्पैक्ट फंड की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास क्या रहे हैं उन्हें भी देखेंगे, और फार्मा क्षेत्र के उन्नयन हेतु प्रमुख सुझाव क्या है उन्हें भी देखेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र दुनिया के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। यही कारण है कि दवा उद्योग को आर्थिक विकास की प्रक्रिया में एक प्रमुख उद्योग के रूप में देखा जाता है। भारतीय दवा उद्योग वैश्विक फार्मा सेक्टर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और हाल के वर्षों में इसमें उल्लेखनीय विकास भी हुआ है। लेकिन COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव से भारतीय दवा उद्योग के प्रभावित होने की आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में यह सही समय है कि भारतीय फार्मा उद्योग को अपनी शोध एवं अनुसंधान प्रक्रिया में परिवर्तन करना चाहिए। भारतीय फार्मा उद्योग को हेल्थ इम्पैक्ट फंड के निर्माण की दिशा में विचार करना चाहिए। भारतीय वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा विदाता है हमारा भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर उद्योग विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग का 50%, अमेरिका में सामान मांग का 40% और यूके में सभी दवा का 25% आपूर्ति करता है। यानी कि जो भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर उद्योग है ये विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग का 50% आपूर्ति करता है। अमेरिका में ये सामान्य मांग का 40% और यूके में सभी दवा का आपका 25% आपूर्ति करता है। आपने अभी देखा होगा कोरोना वायरस के टाइम पे दवाइयों के लेकर जो चर्चा में बनी हुई थी आपकी, इस समय आपकी क्लोरोक्वीन थी, हाइड्रोक्लोरोक्वीन थी, ये दवाएं अभी मांग चल रही थी ना, तो भारत इन्हीं में से आपका एक बड़ा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भारत की इन उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में 3,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के साथ बल्क ड्रग पार्क्स को बढ़ा दबा देने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। बात करते हैं भारतीय फार्मा उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है। भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा विदाता है। विभिन्न वैक्सीन की वैश्विक मांग में भारतीय दवा क्षेत्र की आपूर्ति 50% से अधिक है। कितनी? 50% से अधिक आपका अकेला भारत निर्यात करता है इसका, यानी कि आपूर्ति करता है। वर्ष 2017 में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का मूल्य 33 बिलियन अमेरिकी डॉलर था भारत का। वित्त वर्ष 2018 में भारत का दवा निर्यात 17.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वित्त वर्ष 2019 में बढ़कर 19.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। जैव फार्मास्यूटिकल्स जैव सेवा, जैव कृषि, जैव उद्योग और जैव सूचना विज्ञान से युक्त भारत का जैव प्रौद्योगिकी उद्योग प्रतिवर्ष लगभग 30% की औसत वृद्धि दर के साथ 2025 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की हमें उम्मीद भी है। अब बात करते हैं भारतीय फार्मा उद्योग की समस्याएं क्या क्या हैं आखिर। शोध एवं अनुसंधान की कमी। भारतीय फार्मा उद्योग में अनुसंधान घटकों और वास्तविक समय में अच्छी विनिर्माण प्रथाओं का अभाव है। भारतीय फार्मा कंपनियों द्वारा अनुसंधान विकास में निवेश वित्त वर्ष 2018 में
8.5% हो गया, जो वित्त वर्ष 2012 में 5.3% के सापेक्ष अधिक है। लेकिन यह अमेरिकी फार्मा कंपनियों की तुलना में अभी भी आपका कम है, क्योंकि अमेरिकी फार्मा कंपनियां अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में 15 से 20% तक निवेश करती हैं और अपने भारत में 8.5%। अमेरिकी फार्मा कंपनियां अक्सर यह आरोप लगाती हैं कि भारतीय फार्मा कंपनियां दवा निर्माण में किसी भी प्रकार का शोध नहीं करती हैं और अमेरिकी फार्मा कंपनियों द्वारा निर्मित दवा का पेटेंट समाप्त होने के बाद उनकी सक्रिय दवा सामग्री का उपयोग कर जेनेरिक दवाओं का निर्माण कर रही हैं। बात करते हैं आखिर ये जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं में अंतर क्या होता है। तो जेनेरिक दवाएं वे दवाएं होती हैं जिनके निर्माण या वितरण के लिए किसी पेटेंट की आवश्यकता नहीं होती है, ये जेनेरिक दवाएं कहलाती हैं। जेनेरिक दवाओं की रासायनिक संरचना ब्रांडेड दवाओं की के समान होती है, परंतु उनकी बिक्री रासायनिक नाम से ही की जाती है। जैसे क्रोसिन या पेनाडोल ब्रांडेड दवा है, जबकि इसकी जेनेरिक दवा का नाम है पैरासीटामोल। आप लोग इसे इस तरह से ले सकते हैं, किस तरह से, आपका एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है पायलेजी, ठीक है, पायलेजी जैसा ही बिस्कुट एक नॉर्मल बना के बेचने लग जाए हम लोग, और उसे नाम दूसरा दे दें, बस उसका पेटेंट ना हो, ठीक है, उससे सस्ता पायलेजी से हम लोग सस्ता बेचें, तो इसी तरह होता है। ब्रांडेड दवाएं, जब कोई कंपनी वर्षों के शोध और परीक्षण के बाद किसी दवा का निर्माण करती है तो वह उस दवा का पेटेंट करा लेती है। आमतौर पर किसी दवा हेतु पेटेंट 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। पेटेंट एक तरह का आपका लाइसेंस होता है जो पेटेंट धारक कंपनी को ही संबंधित दवा के निर्माण और वितरण का अधिकार प्रदान करता है। पेटेंट की समय सीमा तक केवल पेटेंट धारक कंपनी ही उस दवा का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार बनी दवाएं ब्रांडेड दवाएं कहलाती हैं। इन पर लोग ज्यादा भरोसा भी करते हैं, क्योंकि आप भी देखते हैं कि ब्रांडेड कपड़ा पहनना, ब्रांडेड जूते खरीदना, ब्रांडेड खाना, सब आपको भरोसा रहता है उस पर। आप समझ सकते हैं कि अगर वही छोला भटूरा आपके बाहर ठेले पे 25 रुपए में मिल रहे हो तो हम उस पर भरोसा नहीं करते, हमें अच्छे नहीं लगते। वही अगर होटल में या VIP होटल में अगर 500 के भी मिल रहे हैं तो हम वहां जाकर खाना पसंद करते हैं। तो यही हाल है इनका, ठीक है। फिर इसके कमी में क्षेत्र में समस्या क्या है, अगली नीति के समर्थन का अभाव। भारत में सस्ती दरों का पर जेनेरिक दवाओं के निर्माण तथा कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार करने हेतु देश के सभी राज्यों में छोटे पैमाने पर कच्चे माल की विनिर्माण इकाइयां इनक्यूबेटरों की स्थापना के लिए अनुकूल सरकारी नीति का अभाव है। सरकार के पास उद्योग तथा फार्मासिस्ट समुदाय को उद्यमी बनाने और इनक्यूबेटर्स की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना का अभाव है। स्वदेशी रूप से उत्पादित कच्चे माल की अच्छी गुणवत्ता का भी अभाव है। छोटी इकाइयों से उत्पादित कच्चे माल की गुणवत्ता विनिर्देशों का पता लगाने के लिए इसे राज्य की परीक्षण प्रयोगशाला में ठीक से सत्यापित किया जाना चाहिए। कच्चे माल की गुणवत्ता विनिर्देशन के कार्य को गति देने के लिए हर राज्य में एक कार्यात्मक परीक्षण प्रयोगशाला की आवश्यकता है। फिर आपका कुशल श्रम का अभाव। फार्मास्यूटिकल कंपनियों में कुशल श्रम शक्ति की कमी है। फार्मास्यूटिकल पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी कमी है। परिणाम स्वरूप फार्मा सेक्टर में कार्य करने वाले लोग अन्य क्षेत्रों से होते हैं जिन्हें इस क्षेत्र की बारीकियों का ज्ञान नहीं होता है। फिर आपका निदानिक परीक्षण में मानकों का अनुपालन ना करना, भ्रष्टाचार, परीक्षण की अल्प लागत, वेतरतीब अनुपालन और दवा कंपनियों व चिकित्सों की मिली भगत ने भारत में अनैतिक दवा परीक्षण को अवसर दिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर संसदीय समिति ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को सौंपी रिपोर्ट में कहा है कि ऐसे पर्याप्त साक्ष्य हैं कि दवा निर्माता CDSCO यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के कुछ कर्मियों और कुछ चिकित्सा विशेषज्ञों के बीच अनैतिक मिलीभगत है। समिति ने इस
और भी ध्यान दिलाया है कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने बेतरतीब ढंग से चयनित 42 दवा नमूनों में से 33 को भारतीय मरीजों पर किसी नैदानिक परीक्षण के बिना ही इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। ये तो वैसी ही हालत है कि आप बिना डॉक्टर के कोई भी दवा लें और खाने लग जाएं, चाहे वो आपकी खांसी की हो फिर चाहे बुखार की हो। खांसी का मालूम चला है कि सर्दी की दवा हम लोग बुखार के लिए खा रहे हैं, बुखार की दवा सर्दी ठीक करने के लिए। हेल्थ इम्पैक्ट फंड की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ रही है, तो इसे भी देख लेते हैं। हेल्थ इम्पैक्ट फंड को 20,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ प्रारंभ किया जा सकता है। इस फंड के जरिए कई दवाओं पर शोध के कार्य को गति प्रदान की जा सकती है। इस शोध व अनुसंधान के द्वारा निर्मित दवाओं के माध्यम से प्रति वर्ष 17,000 करोड़ रुपए से 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि जुटाई जा सकती है। इस फंड के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में रुचि रखने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनियों को शोध कार्य हेतु मौद्रिक सहायता प्रदान की जा सकती है। शोध व अनुसंधान के द्वारा निर्मित की गई दवाएं अन्य देशों के द्वारा निर्मित ब्रांडेड दवाओं से सस्ती होंगी, जिसका विशेष लाभ लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए प्राप्त होगा। इस प्रकार हेल्थ इम्पैक्ट फंड के द्वारा फार्मास्यूटिकल इनोवेटर्स COVID-19 के प्रकोप को रोकने व उपयुक्त दवाओं की आपूर्ति करने या फिर विकसित करने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। हेल्थ इम्पैक्ट फंड दवाओं की बिक्री करने के बजाय बेहतर स्वास्थ्य परिणामों को प्राप्त करने के लिए भी आपके प्रतिबद्ध होंगे। इस क्षेत्र में सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास क्या क्या हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास एवं शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 तक अपनी कुल GDP का 2.5% यानी कि 2.5% इस क्षेत्र पर खर्च करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय दवा उद्योग के विकास के लिए सरकार की नीति में अनुसंधान और विकास पर काफी जोर दिया गया है। ग्रीन फील्ड फार्मा परियोजना के लिए ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है। साथ ही आपका स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी हितधारकों के बीच विचार विमर्श के लिए समय समय पर सरकार व निजी क्षेत्र के सहयोग से इंडिया फार्मा एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस सम्मेलन जैसे प्रयासों को भी बढ़ावा दिया गया। साथ ही ब्राउन फील्ड फार्मा परियोजना के लिए ऑटोमेटिक रूट के तहत 74% FDI की मंजूरी दी गई है। 74% से अधिक की FDI के लिए सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत अनुमति दी गई है। फिर आपका फार्मा क्षेत्र के उन्नयन हेतु प्रमुख सुझाव क्या क्या हो सकते हैं, उन्हें भी आप लोग देख लीजिए। अनुसंधान योजनाएं, उद्योगों द्वारा पहचान किए गए शोधकर्ता संकाय के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से शोध कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए। उद्योगों के बेहतर संचालन के लिए शोध कार्य करने वाले छात्रों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। फिर आपका आंतरिक उद्योग प्रशिक्षण, फार्मा उद्योग को प्रशिक्षुओं को उस क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षित करना चाहिए। उपयोगकर्ता के अनुकूल नीतियों को अपनाने से लघु उद्योग स्थापित करने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में छात्रों और मध्यम वर्ग के व्यापार मालिकों को प्रोत्साहन किया जाएगा। इससे इससे आपका फार्मासिस्टों के लिए बेरोजगारी की समस्या को दूर करने और राष्ट्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी हमें। विशेष फार्मा अनुसंधान केंद्रों की स्थापना, भारतीय शैक्षिक संस्थान छात्रों के रचनात्मक विचारों से भरे हैं। भारतीय फार्मा उद्योग भविष्य में प्रगति के लिए इन रचनात्मक विचारों को अपना सकता है आपका। फिर आपका फार्मेसी छात्रों को डेटा व्याख्या, डेटा माइनिंग का अच्छा ज्ञान होने के साथ उपकरणों के संचालन में अत्यधिक जानकारी है, अतः इनका सहयोग उद्योगों में अनुसंधान के लिए किया जा सकता है। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, उद्योग क्षेत्र और सरकार को नए फार्मूलों, दवाओं और उपचारों का आविष्कार, अनुसंधान और विकास करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठनों के साथ सहयोग करना चाहिए।
निष्कर्ष तक क्या कहा जा सकता है कि देश के नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच के साथ ही विश्व के अन्य देशों में भी कम लागत में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में भारतीय दवा निर्माताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हेल्थ इम्पैक्ट फंड की निर्णायक भूमिका हो सकती है। हमें शोध व अनुसंधान के लिए बेहतर अवसंरचना का निर्माण करना चाहिए ताकि COVID-19 जैसी संचारी रोगों के इति सुरक्षात्मक रणनीतियों का निर्माण किया जा सके। तो ये थी आपकी स्थिति फार्मास्यूटिकल सेवाओं की, ठीक है।